ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डमरू और ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। खूबसूरत वादियां, तस्वीरें मनमोह लेने वाली। आप सीधे तौर पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने देवभूमि के दौरे पर उत्तराखंड में हैं और यहाँ पर पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करते हुए और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए पार्वती कुंड और आदि कैलाश में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रणाम करते हुए डमरू, शंख, घड़ियाल, मंजीरे की धुन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनतंत्र टीवी पर। प्रधानमंत्री मोदी अपने देवभूमि के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, यहाँ पर विकास की तमाम योजनाओं को काबू, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, लेकिन उससे पहले भक्ति का संगम देवभूमि पहुंचे हैं और भक्ति भाव के साथ डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही अहम और मन मोह लेने वाली, धार्मिक ध्वनि से शंख बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो परिक्रमा और ये प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वहां के जो पंडा पुरोहित और उस समाज के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिलक करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो भी वहाँ के रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक, उसके अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। तो आदि कैलाश पर्वत और पार्वती कुंड में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की प्राकृतिक छटा को निहारने के साथ साथ पूजा अर्चना का कार्यक्रम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए कलावा बांधते हुए, ये तस्वीरें बेहद ही अहम, एक एक पल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा जुड़ गए हैं। हरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं, बेहद ही अहम ये तस्वीरें, मन मोह लेने वाली प्राकृतिक छटा दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री एक एक वहां के जो रीति रिवाज हैं उनके मुताबिक यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए। हरीश, निश्चित देखिए, आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर हैं और जिस तरह के यहाँ पर नया चुनाव के कार्यक्रम यहाँ पर तय किए गए हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह सरकार में है, बहुत ज्यादा उत्साह तमाम लोगों में है। जिस तरह से हम प्रदेश के तमाम लोगों की बात करें तो आज प्रधानमंत्री जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पार्वती कुंड है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तस्वीरें में आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ का रीति रिवाज है उसके अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। लगभग आधे घंटे ये पूजा यहाँ पर की जाएगी और जो उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबकी नजरें इस समय उत्तराखंड पर बनी हुई है और बागेश्वर पर बनी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पिथौरागढ़ में लोगों की जो हुजूम है वो उमड़ कर देख रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं निश्चित तौर पे ये सौभाग्य की बात है। और जब यहाँ पर पहुंचे ऐसे में जब पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पे क्षेत्र को कहीं ना कहीं पर्यटन से भी जोड़ने का एक सौभाग्य होगा। जिस तरह से अगर हम बात करें तो सरकार की जो मंशा रही है और कि किस तरह से कुमाऊं क्षेत्र के इन तमाम इलाकों को यहाँ पर पर्यटन से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये अब जो कदम है वो आगे कारगर साबित हो सकेगा। जी हरीश, एक एक बात का ख्याल रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, डमरू भी बजा रहे हैं, वो तिलक करवा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं, ऐसी एक एक चीज जो सनातन से जुड़ी हुई है। जब आध्यात्मिक धरती पर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो आमतौर पर इतनी छोटी छोटी चीजों की बारीकी का ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वो सरकार का काम तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ क्योंकि देवभूमि में है तो वहां की धार्मिक मान्यताओं, वहां के रीति रिवाजों का भी ध्यान रखना कैसे रखा जाता है उसकी छटा भी देखने को मिल रही है। जाहिर बात है पवन, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि देवभूमि है तो यहाँ कणकण में ईश्वर का वास है और इसी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने देखा इससे पहले जब केदारनाथ में पहुंचे थे बाबा केदार के दर्शन के लिए तो वहां पर भी प्रधानमंत्री ने तमाम एक एक चीज जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको ध्यान रखते हुए यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। और इसके अलावा आज की अगर बात की जाए तो जिस तरह से चित्तौड़गढ़ में जो पार्वती कुंड है यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है तो एक एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान प्रधानमंत्री रख रहे हैं। जो यहाँ पर रीति रिवाज है, जिस तरह से यहाँ पर पूजा की जाती है क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में प्रत्येक जो यहाँ पर जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं सनातन को एक विश्वास में रखने के लिए, सनातन को आगे करने के लिए एक यहाँ पर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर
पूजा कर रहे हैं, किस तरह से तिलक किया जा रहा है, तो तमाम चीजें यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि देवभूमि है। और ऐसे में पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे देश की नजर इस समय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनी हुई है। जी, एक एक मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ किस तरीके से वहां पर भगवान को एक श्रद्धा भाव के साथ नमन किया जाता है, डमरू बजाना, घंटा बजाना वहां पर, और जो भी छोटी छोटी जो बारीकी हैं उसका एक एक चीज का ख्याल रखते हुए देखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और तीर्थ पुरोहित समाज के जो लोग हैं वो भी उनको बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए पवन, जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, इस समय की अगर बात करें तो श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती हैं, पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। जिस तरह से तमाम अपने पितरों का ध्यान यहाँ पर किया जाता है और खासतौर पर इस समय की अगर बात करें हम बद्रीनाथ की बात करें जहाँ पर पिंडदान किए जाते हैं, इसके अलावा हरिद्वार की बात करें क्योंकि यहाँ पर तमाम जगह पर जो छोटे भी मंदिर हैं उनमें कहीं ना कहीं सनातनी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इसी का ध्यान प्रधानमंत्री भी रख रहे हैं। क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, पार्वती कुंड में एक एक चीज यहाँ पर देखी जा रही है। उसके बाद हम जागेश्वर धाम की अगर बात करें तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री का पहुंचने का समय है और वहां पर भी पूजा अर्चना की जाएगी। लगभग यहाँ पे 200 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे मंदिर। बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।